पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश लोगों पर आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों को खाली करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए कभी भी खतरा लेकर आ सकता है। दरअसल मणिकर्ण घाटी के मलाणा में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2 के बांध के गेट गाद के कारण बंद हो गए हैं। पानी ओवरफ्लो हो गया है। बांध के ऊपर से पानी बहने पर इसके टूटने की आशंका को देखते हुए रिहायशी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया। बांध के किनारे को तोड़कर पानी निकाला जा रहा है, तो वहीं लोगों की सुरक्षा को देखते हुए 20 किलोमीटर क्षेत्र में मकान खाली करा दिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं, जो लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे जल्द से जल्द डैम के गेट को खोला जाए और पानी के बढ़ते जलस्तर को रोका जा सके। घाटी में रोजाना हो रही बारिश के कारण जलस्तर कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, जिस कारण गेट खोलने में दिक्कत आ रही है। लेकिन प्रशासन बाखूबी अपना काम कर रहा है। प्रशासन की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी आने वाले कुछ दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। और राहत भरी बात ये कि अभी लोगों को डैम से कोई खतरा नहीं है। और सूर्य समाचार भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है, सावधान रहें और प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करें। सूर्य समाचार के लिए कुल्लू से अनिल कांत की रिपोर्ट।